A partition wall has two layers A and B in contact, each made of a different material. They have the same thickness, but the thermal conductivity of layer A is twice as that of B. तो हमारे पास एक पार्टीशन जिसमें दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं ए एंड बी, दोनों का एरिया, दोनों की थिकनेस सेम है, बट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज ट्वाइस एज दैट ऑफ बी. तो ई दोनों सीज कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई हैं, इसलिए सीज कॉम्बिनेशन के लिए के इफेक्टिव का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2KaKb/Ka+Kb. अगर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा 2Ka × Kb/2 हो जाएगा, ये Kb/2 / Ka+Kb/2. ऑन टेकिंग एलसीएम वी विल गेट दिस वैल्यू एज 2Ka/3. दिस सीम्स टू बी फाइन. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आगे पढ़ते हैं. इफ द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज 60 केल्विन, इधर थीटा 1 इधर थीटा 2, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस थीटा 1 माइनस थीटा 2 है वो हमारे पास 60 केल्विन है. और हमसे कहा गया देन कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंस अक्रॉस लेयर ए इज, तो हमें थीटा 1 माइनस थीटा को फाइंड आउट करना है. अब मैं कंसेप्ट क्या यूज करूंगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू कॉम्बिनेशन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए. सीज कॉम्बिनेशन में है तो जितनी ए में से उतनी बी में से उतनी ही कॉम्बिनेशन में से. कॉम्बिनेशन के लिए मैं के एस ए इंटू डेल्टा थीटा अपॉन इफेक्टिव लेंथ जो कि 2x हो जाएगी, इसको मैं लिखूंगा के ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस थीटा 1 माइनस थीटा जो कि मुझे फाइंड आउट करना है, अपॉन x, x से x कट जाएगा. के एस मेरे पास था 2Ka/3 इंटू ए इंटू डेल्टा थीटा 60 केल्विन दे रखा है, बाय 2 भी है. दिस इज इक्वल के ए इंटू थीटा 1 माइनस थीटा जो कि मुझे फाइंड आउट करना है. ए से ए कट जाएगा, ये कट गया, यहाँ पे बच गया 20, ये 2 और 2 भी कट गया, के ए एंड के ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास थीटा 1 माइनस थीटा की वैल्यू 20 केल्विन आ जाएगी. विच मीन्स दैट ऑप्शन बी शुड बी रिक्वायर्ड आंसर.